हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ली है एक मूली, और मूली को मैं छील करके कद्दूकस कर रही हूँ। मूली मैंने कस ली है और आप देख सकते हैं मूली को मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से कस लिया है। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर लिए हैं मूली के पत्ते, उसको भी मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। मूली के पत्ते जब आप पराठे में डालते हैं तो पराठे का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है और पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इस तरीके से मैंने मूली के पत्ते को छान करके रख लिया है धो करके अच्छे से, जिससे कि इसमें जो सारी मिट्टी होती है वो सब निकल जाती है धो करके। और आप देख सकते हैं इसमें से मूली के पत्तों में से पानी निकला है बहुत सारा। अभी हम दोनों को अच्छे से निचोड़ेंगे। अब मैं मूली को अच्छे से निचोड़ लूंगी, सारा पानी इसका हम निकाल देंगे मूली में से। फ्रेंड्स, अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते हैं या आपके मूली को निचोड़ने के बाद आपके हाथों में जलन लगती है तो आप क्या करें, एक कपड़ा ले लें और कपड़े के अंदर मूली को डाल करके निचोड़ दें, उससे भी बहुत इजीली पानी निकल जाता है और आपके हाथ भी बच जाते हैं जलन लगने से। मूली हमने अच्छे से निचोड़ ली है और आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा पानी निकला है। इसको हम फेंक देंगे और फिर से मैंने यही वाली थाली ले ली है और थाली के अंदर मैं ये मूली को डाल दूंगी। एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको हम कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले लेंगे, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, एक चौथाई चम्मच सौंफ पाउडर डाल देंगे और इनको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिए है सभी मसालों को और स्टफिंग हमारी बनकर के तैयार है। इसको हम ढक करके रख देंगे और तब तक हम आटा लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है और आटे के अंदर मैं बहुत थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, 1/4 चम्मच के आसपास, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन लिए, अजवाइन को हाथों से अच्छी तरीके से क्रश करके डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से सभी चीज़ों को और पानी डाल के आटा लगाएंगे। आटा हमारा लग चुका है और इसको हम रख देंगे, रेस्ट करने देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन के अंदर मैंने देसी घी डाल दिया है, 1/2 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसको मेल्ट होने देंगे, घी हमारा मेल्ट हो चुका है और इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन हमारी भुन चुकी है और अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने फिलिंग तैयार करके रखी थी ना, उसको मैं इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर ये जब हम इसको फिलिंग को भून करके बनाते हैं तो पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से और मीडियम फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। अब आटा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसकी पेड़ी तैयार करेंगे, थोड़ी बड़ी सी पेड़ी तैयार करेंगे। इस तरीके से पेड़ी बना करके रख लेंगे। पेड़ी मैंने बना करके तैयार कर ली है और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लिया है, लोई पर सूखा आटा लगा लूंगी। और अब मैंने यहाँ पर एक चकला लिया है और अब मैं इसको बेल लूंगी। मैंने इसको बहुत बड़ी सी बेल लिया है और अब यहाँ पर मैंने ये जो स्टफिंग बनाई थी ये भी ठंडी हमारी हो चुकी है और इसको अब हम इसमें भर लेंगे। इसको हम तिकोना शेप में फोल्ड कर देंगे, फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम बेलेंगे। आप इसको कोने पे से बेलें
पराठा हमने बेल लिया है, इसको हम एक प्लेट में रख देंगे और बाकी भी हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लोहे का तवा लिया है, ये वही लोहे का तवा है जिस पर हम रोटी बनाते हैं और इस पे हम ये पराठा डाल देंगे। पराठा ऊपर से ड्राई हो चुका है और इसको हम पलट देंगे। फ्रेंड्स, आप अगर गोल पराठे बनाना चाहते हैं तो आप गोल भी बना सकते हैं, पर तिकोने थोड़े देखने में अच्छे लगते हैं, बाकी टेस्ट तो एक ही जैसा होता है। और इस तरीके से हम नीचे से भी इसको सेक लेंगे, आप देख सकते हैं नीचे से भी इसको हम सेक लेंगे। अब पराठा हमारा नीचे से भी बहुत अच्छे से सिक चुका है और इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी, आप बटर भी लगा सकते हैं। और जब आप इस तरीके से पराठे बना करके खाएंगे तो आपके ये जो पराठे हैं ये 100% फूलेंगे फूलेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, पराठा हमारा कितना बढ़िया तरीके से फूला है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सभी कोनों को दबा करके सेकेंगे अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं पराठा हमारा बन करके तैयार है, सभी पराठे इसी तरीके से सेक लेंगे। ये मूली के पराठे हमारे बन करके तैयार है। और फ्रेंड्स, मुझे मूली के पराठे मलाई के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो मूली के पराठे हैं किस चीज़ के साथ ज़्यादा पसंद है, चटनी के साथ पसंद है या दही के साथ पसंद है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए